व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको सीफॉप मेथड यूज करके व्हाइट क्रॉस कैसा बनाना है इसका ट्यूटोरियल बताऊंगा। मैं जो मेथड यूज करता हूँ, जितना भी मैंने सीखा जिससे मेरा टाइम 11-12 सेकंड्स 8-9 सेकंड्स भी आ जाता है कभी कभार, तो जो क्रॉस के लिए मैं टेक्निक्स यूज करता हूँ, जो फिंगर ट्रिक्स यूज करता हूँ, आपके साथ शेयर करूंगा। इससे पहले मैंने सीफॉप मेथड के ऊपर एक वीडियो बनाई एग्जाम्पल सॉल्व्स, उसमें भी कुछ बताया था, तो आप वो वीडियो अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप स्पीड बनना चाहते हैं तो आपके क्यूबिंग रूटीन में स्मॉल यू और एम का ज्यादा यूज करिए, ठीक है, सीफॉप मेथड में। इससे आपका स्पीड इंक्रीज होगा क्योंकि मूव्स कम होते हैं बेसिकली से यूज करने से। तो हम वो भी आज इसके वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्रॉस के टाइम कैसा। तो चलिए मैं पहले स्क्रैम्बल कर लेता हूँ ऐसी एक रैंडम। तो गाइज यहाँ पे मैं थोड़े बहुत केसेस आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक नंबर है कि इतने केसेस है, बहुत ज्यादा केसेस है, तो वो तो आने वाले टाइम में वीडियोस के साथ हम बनाते जाएंगे। तो बट अब मैं थोड़े बहुत इच करूंगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, इस सीरीज को। मैं कुछ स्क्रैम्बल्स इधर करके आपके सामने क्रॉस कैसा बनाना बताऊंगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक स्क्रैम्बल है, आप देख सकते हैं रेड ऑलरेडी सॉल्व है, ग्रीन का पीस यहाँ है, तो हम सिंपली, और कोई भी पीस सॉल्व नहीं है, तो हम सिंपली कर सकते हैं RDR, ठीक है। तो इससे हमारा रेड और ग्रीन सॉल्व हो जाएगा, और आप देख सकते हैं ऑरेंज एंड वाइट यहाँ है और ब्लू एंड वाइट ऑपोजिट साइड में है, तो हम RIF2 RIFI इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप अगर समझ में नहीं आया तो आप फिर पॉज करके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ केसेस, अब एक केस ऐसा हो सकता है कि ब्लू एंड वाइट ऑपोजिट साइड में सॉल्व है, वाइट एंड ग्रीन, ठीक है। तो अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, देखिए, अब क्योंकि दो ऑलरेडी ऑपोजिट साइड सॉल्व है, तो मैं थर्ड वाले को भी ऑपोजिट साइड ही सॉल्व करूंगा, ऑरेंज और वाइट, इसको किस तरीके से, इस तरीके से पहले मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, फिर एम को करके यूं करके कुछ इस तरीके से, एंड फिर जो ये रिमेनिंग है इसको मैं इस तरीके से सॉल्व करके स्मॉल यू टू कर दूंगा। गाइस सेम केस को आप कुछ अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने जैसा कि एक वीडियो में बताया कि हर फिंगर ट्रिक हर किसी को सूट नहीं होती, तो अब देखिए आप सेम कैसे, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ऑरेंज को पहले अपनी जगह सॉल्व कर दूंगा, एंड ठीक है रेड एंड वाइट को मैं एम करके एफ आई इस तरीके से, एंड ये जो दो है ऑपोजिट में हम इसको M2 U2 M2 करके सॉल्व कर लेंगे। और एक केस कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं ऑरेंज वाइट और रेड वाइट ऑपोजिट में है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो मैं जस्ट FI कर दूंगा, ठीक है, एंड मैं इसको इंसर्ट करने से पहले ऊपर की तरफ नोटिस करता हूँ कि वाइट एंड ग्रीन का पेयर सॉल्व है जो रेड के बाजू आता है, तो मैं सिंपली R2 कर दूंगा एंड D कर दूंगा, फिर F2 कर दूंगा, इससे हमारा क्रॉस कंप्लीट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कलर पैटर्न याद रहना बहुत ज़रूरी है, तो एक कलर पैटर्न याद रख लीजिए, ब्लू रेड ग्रीन ऑरेंज। ब्लू के राइट हैंड पे रेड आता है, उसके बाद ग्रीन, फिर ऑरेंज, ब्लू के लेफ्ट हैंड पे ऑरेंज कलर आता है, तो ये कलर पैटर्न आप याद रख लीजिए, स्पेशली 4x4 में आपको बहुत काम आने वाला है। अब ये एक केस है जिधर हमारा ग्रीन पेयर सॉल्व, ग्रीन क्रॉस सॉल्व है, एंड आप देख सकते हैं ब्लू एंड वाइट को हम जगह पे लाएंगे, तो आप देख सकते हैं ऑपोजिट में, तो जैसे हम L2 करके F प्राइम कर देंगे तो हमारा तीन पेयर सॉल्व हो जाएंगे। अब हमें इसको, अब ये जो रिमेनिंग ऑरेंज पीस है, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप चाहे तो ऐसा टर्न करके UI करके R2 कर सकते हैं, या फिर अगर आप टर्न नहीं करना चाह रहे तो आप D'R2D इस तरीके से भी कर सकते, डिपेंडिंग ऑन व्हाट फिंगर ट्रिक सूट्स यू। आपको जो फिंगर ट्रिक सूट करता है, जिसको आप फास्ट परफॉर्म कर सकते हैं, वो आप परफॉर्म करिए। और एक केस आप देख सकते हैं, कोई भी पीस हमारा सॉल्व नहीं है, तो हम पहले ग्रीन एंड वाइट को उसकी जगह पे लाएंगे, आप देख सकते हैं मैं जिसको जैसा इसको इंसर्ट करूंगा ये ऊपर आ जाएगा,
पहले मैं आर आई यू आई एफ इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा एंड फिर क्यूब को रोटेट करके कुछ इस तरीके से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो गाइज लास्ट एंड फाइनल केस वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी करनी नहीं है ठीक है। तो आप देख सकते हैं पूरे हमारे वाइट क्रॉस के पेयर सॉल्व है, बस ये एक इस तरीके से नीचे है। तो अब यहाँ हम स्मॉल यू को यूज़ करना सीखेंगे ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेंगे एफ टू करके कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप सिंपली क्यूब को ऐसा पकड़िए एंड राइट हैंड साइड पर अगर आपका पेयर है तो आर स्मॉल यू प्राइम आर यू ठीक है। मैं आपको फास्ट करके दिखाता हूँ, देखिए फिर से बताता हूँ आपको, देखिए। तो स्मॉल यू का यूज करने से आपका टाइम काफी ज्यादा सेव हो जाएगा। और अगर सेम पेयर यहाँ पर है तो आप रिपीट कर सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं यू प्राइम आर यू, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं अगर आपका यहाँ कोई पेयर नजर आ रहा है और आप एफ ट्वेल्व सॉल्व करने में बिजी है तो डी प्राइम आर डी ठीक है, इस तरीके से ठीक है, या डी आर आई डी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये थे कुछ केसेस जो मैं समझा आपको एक्सप्लेन करना चाहिए। वीडियो कैसी लगी लाइक करके कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट करिए। वैसे नेक्स्ट वीडियो तो संडे आने वाली है एफ ट्वेल्व के ऊपर, बट उसके अलावा भी आपको जो वीडियो के ऊपर जो टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो फील फ्री टू कमेंट। और ये ऐसा नहीं है कि पूरे केसेस हो गए, अभी बहुत केसेस बाकी है, बट मैंने जैसा बताया वीडियो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम आने वाले टाइम में ऐसी पार्ट्स में कर करके डिवाइड करके वीडियोज़ बनाएंगे जिससे आपका टाइम सेव होता है। तो जय हिंद।